गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू बैक माय न्यू ब्लॉग। और आज दिन है मंडे और सुबह के बज रहे हैं ठीक 8 बज रहे हैं और रियान का स्कूल है वो 9 बजे का हो गया है। और मैं यहाँ पे बना रही हूँ रियान के लिए नमकीन सेवैयाँ। देखिए खूब सारी मैंने वेजिटेबल्स इसमें डाली हुई हैं और आज मौसम बहुत ही ठंडा है, बहुत ही ठंडा, इतना कोहरा है। यहाँ पर बन रही है नमकीन सेवैयाँ, खूब सारी मैंने इसमें हरी वेजिटेबल्स डाली हुई हैं। इसमें है ब्रोकली है, शिमला है, प्याज है और पत्ता गोभी है। और ये रखी हुई हैं बॉइल की हुई सेवैयाँ। और इधर मम्मी सो रही हैं और रियान तो भी उठ गया है, रियान का ब्रश ब्रश चल रहा है। तो यहाँ पे रियान तैयार हो गए और रियान खा रहे हैं। रियान क्या खा रहे हो? तो रियान यहाँ पे अपना ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। इनको मैंने दिया हुआ है मूसली कैलोर्स और यहाँ पे पानी गरम कर रहे हैं। तो पानी गरम करके ढक के रख देते हैं इसमें, तो सब लोग मिला मिला के पीते रहते हैं। और यहाँ पे देखो 7 डिग्री सेल्सियस है यहाँ का टेम्परेचर। अभी रियान तो टेम्परेचर सुन रहा है यहाँ बैठे बैठे। चलो बेटा स्कूल जाना है जल्दी जल्दी। और बाहर का देखो, अरे बाप रे, एकदम फ्रिज की तरह रखा हुआ है मौसम। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। अभी पार्क में एक बंदा नहीं दिख रहा, पार्क बिल्कुल खाली। तो बाहर का मौसम देखो कितना ठंडा हो रखा है, बहुत ही ठंड है आज, बहुत ही ज़्यादा। आज तो ना निकलेगी धूप, इससे तो बस अंदर ही सुकून मिल रहा है। आज धूप नहीं निकलने वाली है? ये देखो रजाई में लेटी हूँ अलेक्जा। और मैंने नाश्ते में बना दिए यहाँ पे नमकीन सेवैयाँ, तो बढ़िया सेवैयाँ बन गई हैं। और रियान का मैंने लंच पैक कर दिया है, ये तुम्हारा छूट जाता अभी। तो इधर रियान तैयार हो गए हैं और इनको मैं सूज पहनाऊंगी और इसके बाद मैं इनको छोड़ने जाऊंगी नीचे। रियान की आई इमरजेंसी, इमरजेंसी के चक्कर में इनकी बस चली गई है। बस चली गई है, अब देखो इनको बोलते हैं जा रहे हैं। तो सो रहे है पापा, ना जाएंगे छोड़ने, अब तुम रहो घर में रहो। और अब तो टाइम हो गया 9 बजे, बस भी चली गई। रियान की इमरजेंसी आ गई थी तो इस चक्कर में बस चली गई है रियान की। रियान तब घर आ गए, पापा को बोलो अगर जा रहे हैं छोड़ने तो चले जाएंगे। बोलो एक बार, बोलो पापा को, बोलो ना। मैं नहीं बोलूंगी, वो हमसे गुस्सा होंगे। तुम बोल के जाओ, जाओ ना फिर वहां स्कूल में भी एंट्री नहीं होगी 9 बजे के बाद। रियान की इमरजेंसी के चक्कर में इनकी बस चली गई है, अब इनको जा रहे हैं छोड़ने स्कूल। ऐसी इमरजेंसी आती है? हाँ, हाँ। बिल्कुल एंड टाइम पे, फिक्स टाइम पे आती है तुम्हें। चलो चलो अब एक्सरसाइज हो रही है तुम्हारी, है पेट हल्का हो गया है। अभी टाइम हो रहा है 9:30 बज रहे हैं और रियान को छोड़ के आ गए हैं। तो रियान को छोड़ने स्कूल गए थे और यहाँ पे मुझे बनाने आलू मेथी की सब्जी, नाश्ता बन ही गया है। यहाँ पे नमकीन सेवैयाँ बन गई हैं और मैं मम्मी जाना चाह रही, मम्मी आलू आलू काट रही सब्जी की तैयारी कर रही। चलो भी लग जाते हैं, सबसे पहले बनाते हैं जूस और साथ के साथ मैं सब्जी भी यहाँ पे छोंक दूंगी। Thank you.
एक साइड आलू मेथी की सब्जी बन रही है और एक साइड मैं बनाऊंगी चाय। तो यहाँ पे चाय बनने के लिए रख दूंगी और नाश्ता बना रखा हुआ है, सेवइयाँ बनी रखी हुई हैं और सेवइयाँ को मैं करूंगी गरम और इसके बाद मैं सभी को नाश्ता दे दूंगी। तो इधर चाय भी बन गई है और सेवइयाँ भी मैंने गरम कर दी हैं क्योंकि ये ठंडी हो गई थी, तो इनको मैंने गरम किया है और सबके लिए मैंने प्लेटें लगा दी हैं और इसमें मैंने डाला है ऊपर से चिली सॉस और इसके बाद मैं सभी को नाश्ता दे दूँगी। तो इधर मैंने सभी को नाश्ता दे दिया, चाय दे दी है, तो मैंने जूस नहीं दिया था क्योंकि सेवइयाँ बनी रखी थी, तो बस वही मैंने सबको गरम करके दे दिए हैं। अगर ज़्यादा देर तक रखी रहती है ना तो फिर ये अच्छी नहीं लगती है खाने में, तो इसीलिए मैंने सबसे पहले सभी को नाश्ता करवा दिया है। और जूस बन के तैयार है और सबको जूस पिला दिया। पहले देखो नाश्ता कर लिया, सेवइयाँ खा ली और अब जूस पी रहे सब। अभी मेरा सारा काम हो गया है, किचन विचन क्लीन हो गई है और घर भी मेरा क्लीन हो गया है। और ठंड बहुत ज़्यादा है सच में, यहाँ पे ये बैठे हुए हैं काम कर रहे हैं और इधर देखो मम्मी फोन चला रही हैं। क्या देख रही फोन में? वीडियो तो वहाँ देख लो तुम्हारे बड़े नंजे। और इधर आ गई है धूप, धूप आ गई है लेकिन हवा चल रही है, यहीं से धूप ले लो बस। रसूल्ला तो ये बहुत ही ठंडे हैं, इसको ऐसे लिया। ये गरम गरम बहुत अच्छा लगेगा खाने में। तो अभी टाइम हो रहा है दोपहर के, बज रहे हैं 3 और रियान भी स्कूल से आ गया है और अभी लंच वंच किसी ने नहीं किया है और अब बस सभी को खाना दे देते हैं। तो खाना मेरा बना रखा है, अब बस गरम करेंगे और इसके बाद मैं सबको खाना दे दूंगी। तो रियान भी मेरे साथ खाना खाएगा। तो अभी टाइम हो रहा है, शाम के बज रहे हैं 5:30 और चाय बना लेते हैं भाई, बहुत कड़ाके की ठंड पड़ रही है। तो यहाँ पे मैंने खूब सारा अदरक डाला हुआ है, इसको मैं डालती हूँ चाय में। और रियान ने इतना बड़ा चूहा घुसा दिया, इसने ये वाला गेट खुला छोड़ दिया है, ये किचन वाला, तो यहाँ से चूहा आ गया है बहुत बड़ा और यहाँ पे सोफा के नीचे है और वो निकल भी नहीं रहा है और अब ना निकल पाएगा, सारे स्लाइडर बंद है, अब निकलने को उसको जगह नहीं है, वो यही अंदर घूमेगा। बहुत बड़ा चूहा है सच में रियान, तुमने ही घुसाया है, तुमसे ही पकड़वाएंगे हम, तुमने ही गेट खोल के छोड़ दिया है, यहाँ से आ गया। रियान से पकड़ के अंदर बाहर करवाऊंगी, नुकसान करेगा चूहा, कहीं आलू खाएगा कहीं कुछ करेगा। तो यहाँ पे बढ़िया सी चाय बनाते हैं और चाय पीते हैं, थोड़ा सा रिलैक्स मिलेगा, इतनी ठंड हो रही है आज तो, धूप तो भाई कहाँ है, देखो दिख रहा है। और चूहा सोफा के नीचे है और इन्होंने रिकॉर्डिंग कर ली है कि चूहा कहाँ पे बैठा हुआ है, तो फोन लगा दिया था रिकॉर्डिंग पे, तो उस पे रिकॉर्ड हो गया है कि चूहा सोफा के नीचे है। तो इधर एक साइड बन रही है चाय और एक साइड मैं ब्रेड सेक लूँगी, तो चाय के साथ ब्रेड दे देंगे तो सभी लोग एक एक दो दो ब्रेड खा लेंगे क्योंकि खाली चाय कोई पीता नहीं है, तो मैं ब्रेड दे दूंगी। और आज घर के अंदर इतना बड़ा चूहा आ गया है, बहुत ही बड़ा है, रियान ने गेट खुला छोड़ दिया है किचन वाला, तो बालकनी से अंदर आ गया है। और इधर ब्रेड भी सेक गई हैं, इस पर मैं काला नमक डालूंगी तो ये खाने में बहुत अच्छी लगेगी। और इधर चाय भी बन गई है, चाय छानेंगे और सभी को चाय दे देंगे और बस फिर हम लोग चाय पियेंगे और अपना ब्रेड खाएंगे चाय के साथ। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ खाना, तो आज मैं बना रही हूँ बैंगन की सब्जी
बिल्कुल बिना मसाले की बना रही हूँ। इसमें मैं डालूंगी हरा धनिया मिर्च पीस के डालूंगी, कोई सूखे मसाले नहीं डालूंगी, बढ़िया लगती है खाने में। और सर्दियों में ना बहुत सारे ऑप्शन होते हैं सब्जियां बनाने के, खाने के। और जब हरा धना मिर्च की सब्जी बनाते हैं तो वो भी बहुत अच्छी लगती है गरम गरम खाने में। और यहाँ पे मैं पीस रही हूँ चटनी, तो पूरी तैयारी मैंने कर ली है। और इधर मैं बना रही हूँ चटनी, तो हरी मिर्ची है, गुरिये वाली धनिया है, लहसुन लिया है और पत्ती वाली धनिया ली है। और चटनी मैं पीसूंगी सिलबट्टे से, तो चलिए पीस लेते हैं। मम्मी देखो यहाँ पे क्या बना रही हैं, बाती बना रही हैं। तो मम्मी को लगा दिया है काम पे, तो ये पूजा के लिए बत्ती बना रही हैं, तो बनी रखी रहती हैं तो जल्दी से। तो ये गोल गोल बत्ती बन रही हैं और ऐसे बना रही हैं। और दूध से बनाएंगी ना तो ये बहुत अच्छी बनती हैं, एकदम से कड़क कड़क बनती हैं। तो मम्मी को मैंने काम पे लगा दिया है और दिन भर रजाई में लेटी रहती है, तो हमने इनको काम दे दिया है कि मेरी बत्ती बना दो पूजा की। और ख़त्म भी हो गई है, अभी इस टाइम है नहीं बत्ती, तो मम्मी बना देंगी। जब तक मैं खाना बना रही हूँ तब तक ये बत्ती बना देंगी। और रियान सो गया है यहाँ पे, रजाई में सो रहा है, रियान तो सो गया है। अभी इस टाइम ना इनकी ट्यूशन की भी छुट्टी चल रही है तो फिर सो रहा है, आराम से सोने दो, बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है, बहुत ही ज़्यादा। हमारा डिनर हो गया है और सभी ने खाना खा लिया है और इस बच्चे ने खाना नहीं खाया है, ये अभी सो रहा है, इसको इतना उठा रहा है लेकिन ये जाग ही नहीं रहा है। अभी रियान ही रह गया है खाना खाने के लिए और सब लोग खाना खा चुके हैं। और मम्मी यहाँ पर बना रही हैं बत्ती बना रही हैं, आज ये पूरी बना देगी। खूब मन लग रहा है इनका बत्ती बनाने में, देखो कितनी बत्ती बना रही है। तो मम्मी को काम पे लगा दिया है, फ्री बैठी थी तो इनको मैंने रुई दे दी, तो ये बत्ती बना रही है बैठ के। और यान के पापा टीवी देख रहे हैं, और तो कुछ काम है नहीं सर्दियों में, बस टीवी देखो, खाना खाओ, बस सो। और यहाँ पे सारा काम हो गया है और सुबह की भी मैंने तैयारी कर दी है, तो सब्जी यहाँ पे काट के रख दी है, सुबह मैं बनाऊंगी मॉर्निंग में गाजर मटर की सब्जी बनाऊंगी। यहाँ पे बादाम मैंने भिगो दिए हैं, अभी 9 बज गए हैं। देखिए ठंड इतनी ज़्यादा पड़ रही है यहाँ पे, बहुत ही ज़्यादा पड़ रही है। और ठंड में तो ये लगता है बस जल्दी से खाना पीना खाओ और रजाई में बैठ जाओ, और बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही है बाहर निकलने की। और पानी वाला काम करने में तो सच में ये दम ही निकल रही है, इतना ठंडा पानी आ रहा है। तो अभी रियान को मैं खाना खिलाऊंगी, रियान का होमवर्क भी होना है। और ये बोल रहे हैं नीचे चलो घूमने, इतनी ठंड में नीचे घूमने जा रहे हैं वॉक करने, चलो चलते हैं, नीचे जाते हैं थोड़ा सा वॉक करके आते हैं। और मम्मी यहाँ पे बत्ती बना रही तो बत्ती बनाती रहेंगी, मम्मी नहीं जा रही क्योंकि रियान सो रहा है, तो मम्मी यहीं रहेंगे, हम और ये जाएंगे घूमने। तो थोड़ा सा मौसम देख के आते हैं, ठंड का मज़ा लेके आते हैं, कितनी ठंड है नीचे। तो चलिए फिर इसी के साथ मैं अपनी इस वाली वीडियो का कर रही हूँ यहीं पे एंड। तो ये था मेरा छोटा सा वीडियो, कैसा लगा? अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियोस को लाइक शेयर जरूर करिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, गुड नाइट।